पर है इसका आंसर बताइए कि क्या सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या सही इसका आंसर होगा। आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द इंक्रिप्शन प्रोसेस। जब हम इंक्रिप्शन करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है। इंक्रिप्शन का मतलब ही होता है कि अगर आपका कोई भी मैसेज है जो रीडेबल फॉर्म में है, मान लो हमारा एक मैसेज है, ठीक है, जो आपका क्या है, प्लेन टेक्स्ट में है, प्लेन टेक्स्ट जिसको हम पढ़ सकते हैं, ये क्या है, रीडेबल फॉर्म में है, रीडेबल फॉर्म में है, इसको हम पढ़ सकते हैं। इंक्रिप्शन प्रोसेस क्या करता है, जब इंक्रिप्शन किया जाता है, ठीक है, इंक्रिप्शन जब किया जाएगा तो इसे ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, साइफर टेक्स्ट कहा जाएगा। ठीक है, यहां पर साइफर टेक्स्ट में मतलब कुछ भी उल्टा सीधा, मान लो यहां पे राम इज ए गुड बॉय लिखा हुआ है तो इसे आपका क्या लिखेगा, ये कुछ भी परसेंटेज बी एक्स वाई जेड है ना, फिर आपका यस परसेंटेज कुछ करके आपका है ना, ऐसे कुछ आपको लिख देगा उल्टा सीधा जो भी हो। हाँ, बहुत बढ़िया, क्रिप्टोग्राफी, साइफर, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपका प्लेन टेक्स्ट में होता है। तो वही बोला, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द इंक्रिप्शन प्रोसेस। जब इंक्रिप्शन होगा तो ये प्लेन टेक्स्ट आपका साइफर टेक्स्ट में बदल जाता है। और फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक की, क्योंकि यहां पे जो की इस्तेमाल की जाती है उसी की से हम लोग इस प्ले को क्या करते हैं, फिर से कोड डिकोड करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग भी आप इसको जनरल टर्म में बोल सकते हो। तो डिस आपका यहां पर डिक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन आपका क्या करता है, ये आपको फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। यहां पर फिर से आपको राम इज अ गुड बॉय ये आपको मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका क्या होगा, साइफर टेक्स्ट जिसको बोला जाता है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो आपका अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं रहेगा, आप उसे समझ नहीं पाओगे, रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ए आंसर इसका सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यही वही बताया है जो मैंने आपको डायग्राम से बताया। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए पर्सन इज पोर्ड इन टू ए डाउनलोडिंग बैड सॉफ्टवेयर लाइक ए ट्रोजन हॉर्स ऑन देयर फोन थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज। जब किसी व्यक्ति को टेक्स्ट संदेश के माध्यम से अपने फोन पर ट्रोजन हॉर्स जैसा खराब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मूर्ख बनाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, बताइए, इसको फार्मिंग कहा जाएगा, स्मिसिंग कहा जाएगा, फिशिंग कहा जाएगा या विशिंग कहा जाएगा। हाँ, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए, सी आंसर दे रहे हैं सभी, बहुत बढ़िया, बी आ रहा है किसी का, सी आ रहा है कुछ लोग भी। आपसे क्या बोला है, फिशिंग तो मैंने बता दिया, फिशिंग तो वो चीजें होती हैं कि जो सामने वाला अटैकर होगा एज ए रियल बिहेव लगेगा, अटैकर जो होगा वो एज अ रियल रहेगा, लेकिन रियल रहेगा लेकिन फेक डिटेल, फेक आपकी वेबसाइट पे आपकी डिटेल को सबमिट कराएगा, लेकिन फेक वेबसाइट या मैसेज आपको डिलीवर करता है। ठीक है, और ये जो आपका पहला टर्म है फार्मिंग, ये फार्मिंग किस लिए यूज होता है, कोई बताएगा, जल्दी से बताओ। यहां पर क्या होता है, किसी वेबसाइट ट्रैफिक को, वेबसाइट ट्रैफिक को कहां पर ट्रैफिक, हाँ, जो वेबसाइट ट्रैफिक होता है, वेबसाइट ट्रैफिक को फेक वेबसाइट पर, फेक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देता है, रिडायरेक्ट कर देता है, तो यह फ्रेमिंग होता है। स्मिसिंग क्या होता है कि आपको मैसेज एसएमएस के थ्रू, यही इसका आंसर होगा बी, एसएमएस के थ्रू आपको एक लिंक भेजा जाएगा जिससे आप ट्रोजन हॉर्स जैसे खतरनाक मालवेयर को आप डाउनलोड कर लोगे। आपको फुसलाने के लिए कि आपने 50,000 का आपको इनाम मिला है इस लिंक पर क्लिक करिए, ठीक है, आपको आईफोन एप्पल मिल रहा है इस लिंक पर क्लिक करिए,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और विशिंग क्या होता है, विशिंग जो होता है ये वॉइस कॉल के थ्रू, थ्रू फ्रॉड जो होता है। जैसे आपको कोई कॉल किया, सेल कॉल करता है ना कि भैया मैं एसबीआई से बोल रहा हूं, आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, अच्छा आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ये ऊपर चला गया है, आपको मैं डिस्काउंट दिलवा रहा हूं, मैं मेरे थ्रू आप जो है पेमेंट कर दिए, तो वो फ्रॉड जो आता है वो विशिंग में आता है। ठीक है, तो यहां पे मिसिंग होगा, आपको मैसेज जो मिलता है ना वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अमेजन देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस जेनिफर, यू कम फर्स्ट इन टूडे फॉर अमेजन फिटनेस वॉच रेफल, क्लिक द लिंक एंड अरेंज ए डिलीवरी। ठीक है, वैसे आपको आएगा आईफोन का मैसेज आएगा। हाँ, अब आते हैं, अब यहां पे बोला अ हैकर यूजली यूजेस ए प्रॉक्सी सर्वर। व्हाई? एक हैकर जो होता है प्रॉक्सी सर्वर क्यों इस्तेमाल करता है? सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करिए। एक जो हैकर होता है वो प्रॉक्सी सर्वर को क्यों इस्तेमाल, पहले तो आप जानो कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। क्या होगा, यहां पर बोला टू क्रिएट ए डुप्लीकेट सर्वर ऑन द नेटवर्क, टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द टारगेट, टू ऑब्टेन ए रिमोट एक्सेस कनेक्शन, टू हाइड ए मैलिशियस एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क। किस लिए इस्तेमाल करता है, कारण आपसे पूछ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है जब हैकर है। अच्छा, लेन देन का संदेश आता है, चलो तो यहां पर डी आंसर आपका सही होगा। प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है कि प्रॉक्सी आपका एक, जैसे बोला जाता है ना कि मेरा प्रॉक्सी लग गया, प्रॉक्सी आप इस स्कूलों में आप लोग जब एब्सेंट प्रेजेंट बोला जाता है कि फला है आए हैं कि नहीं है, तो कोई दूसरे की जगह बोल देता है, वो बंदा एब्सेंट रहता है तभी भी उसकी जगह अटेंडेंस लग जाता है प्रॉक्सी। ठीक है, ऐसा तो प्रॉक्सी में अगर यहां पे क्लाइंट है और यहां पे आपका सर्वर है, ठीक है ये सर्वर है, तो क्लाइंट जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट के थ्रू है ना, तो इंटरनेट आपका पहले उसे प्रॉक्सी सर्वर पे भेजता है। प्रॉक्सी सर्वर इसलिए यूज किया जाता है कि यूजर की जो डिटेल है, यूजर का जो डिटेल इंफॉर्मेशन है उसे आपका यहां पर छुपाया जाए। तो एक इंटरमीडिएटर होता है, इंटरमीडिएटर होता है। अब ये जो हैकर होगा वो बेसिकली क्या करेगा कि आपका यहां पर जब प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल इसलिए करता है कि एक डुप्लीकेट वेब पेज, मान लो आपने कोई सर्च किया कि परीक्षा प्लस पे जाना है, तो परीक्षा प्लस पहले प्रॉक्सी सर्वर पे आएगा, वहां से उसके सर्वर एड्रेस पर पहुंचेगा। अब यहां पे इस प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करके जो हैकर होगा वो एक डुप्लीकेट वेब पेज बना लेगा और प्रॉक्सी सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको मेरे पेज की बजाय यहां दूसरा जो डुप्लीकेट पेज रहेगा, ये मान लो ये सर्वर परीक्षा प्लस का है, ठीक है, और ये एक डुप्लीकेट पेज बन गया जो आपको ये प्रॉक्सी सर्वर समझ नहीं पाया, कंफ्यूजन में यहां पर भेज दिया। ठीक है, तो वो हैकर करता है, गड़बड़ कर देगा, प्रॉक्सी में चेंज कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल, क्योंकि जो भी कार्य होता है, जो भी आप नेटवर्क पर इंटरनेट के माध्यम से सर्च करते हो, वो किसके थ्रू जाता है सर्वर पे, प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाता है। प्रॉक्सी सर्वर आपके डिटेल्स को हाइड करने के लिए बनाया जाता है और इसी वजह से हैकर्स इसको पहले हैक करते हैं ताकि इसी से आपका डेटा उनके सर्वर पे, चाहे उनकी वेबसाइट पर चला जाए। चलिए अब आते हैं, देखो यहां पर, ठीक है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर है, ये आपके रिक्वेस्टेड वेबसाइट का सर्वर है जिसको आप रिक्वेस्ट करते हो, तो आपको हैकर इसी पर टारगेट करता है, इसको टारगेट कर लेगा तो वो अपने वेबसाइट पर पहुंचा देगा आपको, जो उसकी वेबसाइट होगी वहां पर पहुंचा देगा। विच ऑफ द कंप्यूटर वायरस अमॉन्ग द गिवेन ऑप्शन, इसमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? अब बोला है यहां पर देखो, राइनो, इबोला, ये तो आपको जानते ही, इबोला वायरस जो आपका ह्यूमन वायरस है, जो बीमारी, जैसे इंसान में वायरस होता है ना अलग अलग प्रकार के, ऐसे ही बीमार करने के लिए, मशीनों को बीमार करने के लिए अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां राइनो तो आपके राइनोसाइनोसाइटिस, ये सर्दी जुकाम में जो वायरस होते हैं वो होते हैं, ये आपका जो होता है प्लांट में पाया जाने वाला वायरस है। अब ये की लॉगर क्या है, एक वायरस है जो आपके सिस्टम में पाया जाता है, ये क्या करता है कि जो भी आप की स्ट्रोक
की स्ट्रोक जो होता है की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर लेता है ना। जो भी आप डिटेल कहीं भर रहे हो, कहीं कार्ड का डिटेल भर रहे हो, अगर ये वायरस आ गया तो आपके डिटेलिंग जो चीजें हैं उसे अपने में रिकॉर्ड कर लेगा। आपका नाम, आपका कार्ड नंबर, ये सब कुछ आपका क्या करता है, भर लेता है, मतलब अपने में एक स्टोर कर लेता है। ये ध्यान रखिएगा, की स्ट्रोक, हर एक की स्ट्रोक को जो भी आप कीवर्ड प्रेस कर रहे हैं, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। पांचवा नंबर, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिट शुड इंक्लूड अ रिव्यू ऑफ, क्या होगा, फायरवॉल, एंटीवायरस, पासवर्ड, अप्रोच या ऑल दीज, ऑल ऑफ दीज, क्या इसका सही आंसर होगा। आपसे प्रश्न पूछा है नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिट शुड बी इंक्लूडेड, नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। फायरवॉल भी जरूरी है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अनऑथराइज्ड कोई भी चीज आती है उसे प्रोटेक्ट करता है आपके सिस्टम तक आने में। एंटीवायरस, अगर कोई सिस्टम में वायरस आ गया है किसी भी थ्रू तो वो आपको कहीं ना कहीं पकड़ने में मदद करता है। पासवर्ड अप्रोच, कहीं कोई आपका जैसे सिस्टम है, सिस्टम में आप ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड जरूर लगाए, नहीं तो पता चले और ओपन करके आपके डेटा को कोई एक्सेस कर ले। आपका कोई बहुत ही एक तरह से बोला जाए बहुत ही एकदम ऐसा फाइल है जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो सिक्योरिटी रीजन से, तो उस फाइल को आपकी कंपनी का लेन देन का फाइल है, कोई फाइनेंशियल फाइल है, तो उसे आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ए साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैज बिकम ए अर्जेंट इशू, साइबर सिक्योरिटी इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग मालवेयर, वायरस, ट्रोजन, बोटनेट एंड सोशल इंजीनियरिंग, साइबर इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू सिक्योरिटी ओनली, इट इज नो आल्सो लिंक टू सोशल इकोनॉमिक्स, इट फोकस प्रोटेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क आवर डिजिटल लाइफ फ्रॉम द डिस्ट्रप्शन, क्या इसका सही आंसर होगा। जल्दी से दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे तो एक आधे घंटे में सिर्फ 5-10 क्वेश्चन हो पाएगा, दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे तो 5-10 क्वेश्चन हो पाएगा, यह ध्यान रखिएगा। देखिए साइबर सुरक्षा और सुरक्षा एक जरूरी मुद्दा बन गया, साइबर सुरक्षा मालवेयर, वायरस, ट्रोजन, बॉटनेट और सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके निष्पादित की जाती है। साइबर अब केवल सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, अब यह सामाजिक अर्थशास्त्र में भी जुड़ गया है। नहीं, अब यह आपसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अच्छा, ये आपका कथन गलत है, ये तो आपका सही है, हमने बोला कि कौन सा आपसे सही पूछा है, ठीक है। तो सही नहीं, सही तो आपका यहां पर ये भी सही है, ठीक। आपसे बोला है कौन सा गलत है, साइबर अब केवल सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, अब ये सामाजिक अर्थशास्त्र से भी जुड़ गया है। ये कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क हमारे डिजिटल जीवन को व्यवधान से बचाने के लिए है ना, साइबर सिक्योरिटी जो साइबर सुरक्षा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, एक जरूरी मुद्दा बन गया, ये भी सही है। ये आपका गलत है, यही आपका आंसर होगा कि साइबर सुरक्षा में मालवेयर, वायरस, ट्रोजन, बोटनेट, सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके निष्पादन की जाती है। इसका उपयोग थोड़ी करते हैं, इसका उपयोग तो वो हैकर्स करते हैं जो आपके इनको वायरस को बनाते हैं, जिनको पैसा कमाना होता है इसके जरिए। साइबर सिक्योरिटी तो आपके एंटीवायरस इससे बचने के उपाय बताते हैं, तो यहां पर बी आंसर आपका क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। बोला व्हाट इज ए नेटवर्क दैट कंबाइन वेरियस सिस्टम टुगेदर टू रिमोटली टेक ए कंट्रोल ऑफ ए विक्टिम सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मालवेयर कार्ड, एक नेटवर्क जो पीड़ित के सिस्टम को दूर से नियंत्रित करने और मालवेयर वितरित करने के लिए विभिन्न प्रणालियों को एक साथ जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार के अटैक को क्या कहा जाएगा, जल्दी से बताइए, इस प्रकार के अटैक को क्या कहा जाएगा। इस प्रकार के अटैक को बूटनेट कहा जाता है, क्या याद रखना, बूटनेट में क्या होता है, कई सारे आपके कंप्यूटर को एक लोग जो अटैकर होता है, जो मेन अटैकर है, वो क्या करेगा, लोगों को एक नेटवर्क बनाता है, ऐसा नेटवर्क बनाएगा कंप्यूटर को जिनको वो बर्बाद करना चाहता है, उनमें वो मालवेयर डाल देता है और धीरे धीरे सिस्टम आपका खत्म होने लगता है। तो नेटवर्क ऑफ
इन्फेक्टेड कंप्यूटर बोल सकते हो, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है बूटनेट। अब इसके मैन इन द मिडल मैंने बताया था कि दो लोगों के बीच में कोई आपके कन्वर्सेशन को, कोई आपके जानकारी को चुरा ले, इसी को कहा जाता है। और यहां पर जो आइडेंटिटी एंड डेटा थ्रेट, ये आपके अनऑथराइज्ड क्या हो, आपके पर्सनल अनऑथराइज्ड पर्सनल डेटा को, पर्सनल डेटा का चोरी, ये आपका कहीं ना कहीं इसमें आता है, आइडेंटिटी एंड डेटा थेफ्ट में आता है, ठीक है। आपके पर्सनल नाम हो गया, आपका नाम का दुरुपयोग, आपके नाम से कोई पैसा मांग रहा है, तो ये सब चीजें जो होती हैं पर्सनल थेफ्ट में आती हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट में किसी की पहचान चोरी करके आपके फेसबुक आईडी बना लेना, व्हाट्सएप आईडी बना लेना, आपसे पैसा किसी अपने उन्हीं में जो जान पहचान है, म्यूचुअल फ्रेंड देखते हैं उनके व्हाट्सएप में, चाहे फेसबुक में उनसे पैसा मांगते हैं, ये सब काम करते हैं। अब यहां पर आते हैं, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज ए प्रोग्राम डेट रन इन द बैकग्राउंड ऑन योर कंप्यूटर सेंडिंग ए इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्राउजिंग हैबिट्स टू द कंपनी डेट इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर। ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, ऐसा प्रोग्राम जो आपके किसी कंपनी ने, देखो जो प्रोग्राम बनाता है, जैसे कहा जाए ना कि जब कोविड आया तो उसमें चाइना का हाथ था, ये कहा गया था कोरोना वायरस में कि भाई वहां से जाहिर सी बात है वायरस को जन्म दिया, दवा बनाएगा तो उसकी ग्रोथ होगी। तो ऐसे ही कंप्यूटर के दुनिया में होते हैं, कंपटीटर अपने को कम करने के लिए लोग वायरस बनाते, कोई कंपनी की हमारे लोग इस फील्ड में हमसे ज्यादा ना जाए, तो ऐसे ही आपके नेटवर्क में वायरस वो छोड़ देते हैं, जैसे आपके एटमॉस्फेयर में आपको इन्फेक्ट करने के लिए वायरस छोड़े जाते हैं, अलग अलग जो मैनमेड बनाए जाते हैं, ऐसे ही यहां पर भी है। तो बेसिकली वो क्या होगा, वो एडवेयर नहीं होता है अंकित, एडवेयर वो होता है जो आपको बार बार किसी वेबसाइट पे जाते हो एड दिखाता है, ठीक है, वो पैसा कमाने के लिए कि इस पर क्लिक करिए आप ये जीतिए, इस पर क्लिक करिए 10 लोगों को शेयर करिए ग्रुप में, तो वो सब चीजें एडवेयर होता है, ठीक है, एकदम इरिटेटिंग लगता है अगर किसी वेबसाइट पे आ जाए तो वो एडवेयर है, तो वो एडवेयर होता है। मालवेयर तो आपके मालवेयर में तो आपके सब कुछ आ जाते हैं, मालवेयर में आपका स्पाईवेयर भी आ जाता है, ट्रोजन भी आ जाता है, ये सभी एक ऐसा मालवेयर, एक ऐसा आप बोल सकते हो कि प्रोग्राम होता है, कैसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के फाइल को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करने के लिए, आपका कहने डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जाता है, है ना। तो यहां पर स्पाईवेयर होगा, स्पाईवेयर क्या करता है, ये आपके जितने भी स्पाई का नाम ही छुप के आपको देखेगा, आप जान नहीं पाओगे, ऐसा स्पाई मतलब क्या हो गया कि आपकी जासूसी करना, आपके जानकारियों को उठाकर धीरे धीरे जो कंपनी आप जिसका वायरस होगा उसको आपको डेटा भेजती रहती है, ठीक है, इसीलिए तो जहां आपके डाटा नहीं है वहां से भी फोन आता है, लोन ले लीजिए, फरार कर लीजिए, ये सब कर लीजिए, तो ये सब क्या है, ये सब मालवेयर है, ये ध्यान, सॉरी, ये पार्ट तो मालवेयर का ही है, तो ये मालवेयर का ही पार्ट, ये पार्ट मालवेयर का ही है, ये स्पाईवेयर, स्पाईवेयर भी एक मालवेयर का क्या है, हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा, मालवेयर के अंदर ही आते हैं। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कज ऑफ सिस्टम हैंग, इसमें से कौन सा सिस्टम हैंग का कज नहीं है, किसके कारण सिस्टम हैंग नहीं होगा आपका। यहां पर बोला है आपसे वायरस का पूर्व ज्ञान, इनमें से कोई नहीं, एक्सेस पावर सप्लाई, एग्जीक्यूशन ऑफ करप्टेड फाइल, करप्ट फाइल करोगे तो जाहिर सी होगा, है ना, उसके बाद से आपका प्रिसिएंस ऑफ वायरस, जाहिर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉज ऑफ सिस्टम हैंग, इसमें से कौन सा सिस्टम हैंग का कारण नहीं है, एक्सेस पावर सप्लाई, ऐसा नहीं है कि आप पूर्व ज्ञान रखते हो तो सिस्टम हैंग नहीं होगा, होगा, अलग अलग वायरस के अलग अलग होते हैं, आपको कोरोना वायरस आया तो क्या आप ऐसा थोड़ी थी कि उससे आप निपट गए, इतनी मौतें हुई ना, तो वायरस का ज्ञान तो हमारे पास पहले से भी था। चलिए अगला प्रश्न, बोला अ वायरस इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू इंटरफियर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, Which of the following is not a type of virus? इसमें से कौन सा वायरस नहीं है, बोला एक वायरस जो होता है एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है
जो आपके सिस्टम के वर्किंग को इन्फेक्ट करता है। कुल मिलाकर जनरली ये कहना चाहता है। तो इसमें बताइए कौन सा आपका आंसर नहीं है। कुछ लोग ये किताब लिए होंगे, आंसर देखो डी दे रहे हैं, डिस्क वायरस। ये जो किताब से आप पढ़े हो उस किताब में तेजस गलत दिया है, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन भी उसके करा रहा हूं। डिस्क वायरस जो है आपका गलत आंसर है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और इसका आंसर डिस्क वायरस गलत है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो बूट सेक्टर वायरस जो होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड में होता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड ये कहां है आपका, ये आपका जो हार्ड डिस्क है मेमोरी उसमें जो बूटिंग प्रोसेस होता है वहां पे जो वायरस चला जाए इन्फेक्ट कर दे, मतलब बूटिंग पार्ट को, आपके जो बूटिंग पार्ट को वायरस इन्फेक्ट करता है जो वायरस, उसी को आपको बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है। ठीक है, वो हमेशा बूटिंग की टाइम को बढ़ा देगा, घट जो होगा बूट नहीं होगा प्रॉपरली आपका सिस्टम, रेंडम कई बार ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने लगेगा सिस्टम, तो वो कार्य करता है। सिस्टम वायरस ही इसको कहते हैं। सिस्टम वायरस मतलब यहां पर बोला है आपसे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरस। सिस्टम वायरस कोई वायरस नहीं होता है, बस ऐसे जनरली इसको बोला गया है। फाइल वायरस होता है जो आपके फाइल को इन्फेक्ट करता है, फाइल को करप्ट कर देगा। और डिस्क वायरस जो होता है, डिस्क वायरस ही आपको रूट सेक्टर वायरस बोला जाएगा। डिस्क वायरस को ही हम मेमोरी वायरस बोल सकते हैं, जो आपके मेमोरी को करप्ट करता है, मेमोरी को करप्ट करेगा, तो ये डिस्क वायरस होता है। तो ये वायरस होता है, लेकिन सिस्टम वायरस नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगला बोला, व्हाट इज द टर्म गिवन टू द एक्ट ऑफ रॉन्गफुली ऑब्टेनिंग ए समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट देयर परमिशन, बिना आपके परमिशन से आपके डिटेल को ले ले, पर्सनल इंफॉर्मेशन। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अभी बताया था ना, आपकी पर्सनल जानकारी, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है, नाम पता फादर नेम जन्म तिथि, ये सब चीजें, इसको अगर कोई ले लेता है तो इसको क्या कहा जाएगा। अभी पढ़ा के आए, आप बड़े बहुत मारेंगे यहां आइडेंटिटी। देखो यहां जो फिशिंग में होता है ना, फिशिंग में आपके कोई जरूरी नहीं है कि आपका नाम पता इस्तेमाल, उम्र इस्तेमाल यूज करे आपकी पर्सनल। वहां पे तो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, आपके कार्ड की डिटेल भरवा ले, आपसे कोई जॉब कराने के लिए कोई डिटेल भरवा ले, ठीक है, आपसे लोन की कोई डिटेल भरवा ले फिशिंग में, आपको ऐसा लगे। आपको जैसे कभी कभी ईमेल आता होगा कि आपको ऑफर किया गया है टाटा मोटर से जॉब, आप अपना जो है इस जगह पे आइए, आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया, इसको फिशिंग कहा जाता है। पूरा लोगो ऑफर लेटर भी ऐसे ही रहेगा जैसे ओरिजिनल रहता है, लेकिन जब आप जाओगे लिखा रहता है कि आप पहले इतना रुपया जमा कर दीजिए, फिर आप यहां पर आइए, आपके रहने खाने की व्यवस्था होगी, बाद में ये रिफंड कर दिया जाएगा। तो वो चीजें आपकी फिशिंग में आती है। आइडेंटिटी थेफ्ट में आपकी पहचान को चुराया जाएगा। यहां बोला ना पर्सनल, समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट देयर परमिशन, ठीक है, और वहां पे आपका फिशिंग में आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपका कार्ड इंफॉर्मेशन हर चीज पूरा, आप कोई भी जॉब, आप बेरोजगार हो तो आपको झांसा में रोजगार देने के लिए फंसाया जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए कंप्यूटर द मैनर इन विच एडवर्सरी कैन इंटर ए सिस्टम एंड पोटेंशियली कॉज अ डैमेज इज कॉल्ड, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी किसी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है उसे क्या कहा जाता है। जल्दी से बताइए, 12 का आंसर ए आ रहा है। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करिए। देखो अटैक इसको कहा जाता है कि अगर कोई घुस गया आपके सिस्टम में और जहां जहां वो डैमेज कर रहा है, तो जिस भी सरफेस लिखा है ना, सरफेस क्या मतलब, सिस्टम के अंदर जहां भी डैमेज कर रहा है, डैमेज आपका हो रहा है वायरस के द्वारा,
वायरस के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अटैक सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब कहो कि अटैक सिग्नेचर क्या होता है। अटैक सिग्नेचर शब्द यूज आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, अटैक सिग्नेचर मतलब कि आपका अटैक कैसा है, फाइल अटैक है, मेमोरी पर अटैक किया गया है। तो अटैक को पहचानने के लिए, अटैक को पहचानने के लिए ने के लिए यूज किया जाता है ये आपका एंटीवायरस के द्वारा। ठीक है, अब यहां बोल रहे हैं अटैक पैटर्न, अटैक पैटर्न। अब ये अटैक पैटर्न आपका जो अटैकर होगा, अटैकर होगा वो ब्लूप्रिंट बनाएगा। ब्लूप्रिंट जैसे आपका अगर मान लो हमला करना है किसी के ऊपर, एक ब्लूप्रिंट होगा पैटर्न कि हमें कैसे किसी के सिस्टम में घुसना है, क्या क्या तबाही मचानी है। ये सिर्फ प्लान जो होता है, एक ब्लूप्रिंट प्लान का, तो वो आपका अटैकर बनाता है ब्लूप्रिंट, है ना, प्लान ऑफ अटैक। प्लान ऑफ अटैक इसको बोला जाता है, किस पर उसका प्लान बनाता है। अटैक पाथ, अटैक पाथ मतलब कहां से। अब जैसे मोदी जी हैं, पाकिस्तान पे हमला कराएंगे तो कहां से कराएंगे, तो वो सब चीजें। तो यहां पर आपका पाथ, किस रास्ते से, पाथ ऑफ अटैकर, पाथ ऑफ अटैकर, पाथ मतलब किस रास्ते से वो जाकर सिस्टम में अटैक करेगा। किसी ड्राइव से जाएगा, मान लो कोई जैसे वायरस है, आपके पेन ड्राइव से भी इंटर हो जाता है, आपके इंटरनेट के कनेक्शन से भी इंटर हो जाता है, आप किसी के साथ शेयरिंग करते हैं लैपटॉप की लैन के थ्रू, तभी भी आ जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, अटैक पाथ कहा जाता है। अब बोला व्हाट इज द बैकअप, एरर नंबर क्वेश्चन, बैकअप क्या होता है। नहीं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन वही कराया जाता है जहां जो क्वेश्चन बना है, एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आएगा जितने बने। अभी बता रहे हैं आप लोगों को, जो ये डिपार्टमेंटल पेपर हुआ था, इसमें कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 6-7 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ले लेंगे। ठीक है, एक वायरस की क्लास ले लेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए, अब बोला है देखो, ये आपके 8000 जिनकी भी इंग्लिश के पास किताब होगी, है ना। अब देखो, एडिंग मोर कंपोनेंट्स टू योर नेटवर्क, प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, फिल्टरिंग ओल्ड डेटा फ्रॉम द न्यू डेटा, एसेसिंग डाटा ऑन इट। बैकअप का मतलब क्या हुआ, अब बैकअप आप कभी भी किसी चीज का बनाते हो तो आप फ्यूचर के रेफरेंस में बनाते हो कि भाई अगर मेरा कहीं सिस्टम क्रैश हो गया तो मैं बैकअप बना के रखा रहूं। तो मैं आपको, जैसे आपके मोबाइल है, मोबाइल कभी चेंज करते हो तो आपके जितने कॉन्टेक्ट हैं वो आपके जीमेल में सेव होते हैं, दूसरा मोबाइल लेते हो जैसे उसमें जीमेल लॉगिन करते हो आपका डेटा बैकअप हो जाता है। तो ये होता है प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट्स फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, हम ठीक है कहीं और करते हैं ताकि हमें जब जरूरत पड़े तो मिल सके। नहीं, उसमें नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एड्रेसेस ऑल द फॉलोइंग इशू एक्सेप्ट, जल्दी से बताइए, जो आईटी एक्ट 2000 है उसमें आपका किसके बारे में बताता है, एक्सेप्ट, उसको छोड़ के, एक को छोड़ के, कोई एक ऐसा होगा जिसको वो नहीं बताता होगा आईटी एक्ट 2000। ये बेसिकली जो साइबर क्राइम आपके होते हैं उसी पर आपके आईटी एक्ट बना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक क्लास और ले लेंगे, इसको डिटेल में चल रहे हैं तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी आज 15-16 जो भी क्वेश्चन हो जाए, बी होगा, बी आंसर होगा, चलिए बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग। जाहिर लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, जाहिर सी बात है जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे डिजिटली साइन है कि नहीं, जैसे आपको कोई सर्टिफिकेट दिया गया वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, वो जो उसने इशू किया है आपको पता चले, आप कोई सर्टिफिकेशन करने कोई कोई फर्जी संस्था है आपको दे दिया और उसे मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो सब चीजें चेक करता है कि इसको डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त है कि नहीं, कि वो ये सर्टिफिकेशन दे सकता है कि नहीं। अब जैसे आपसे बोला कि आपको कंप्यूटर में 1 साल का कोर्स होना चाहिए किसी गवर्नमेंट संस्था से, आपने जनरली ऐसी संस्था से कर लिया जो गांव में खुले हुए हैं,
तो वो आपके कहीं ना कहीं ऑथराइज्ड नहीं है। जिनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज दिया है या सिग्नेचर दिया है, जिनको लीगल किया है, वही ऑथराइज होंगे। जो नीलेट हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, इनकी अब बोला लीगल रिकॉग्निशन फॉर अपार्टमेंट। ये तो भाई अपार्टमेंट, ये तो रियल इस्टेट की चीज आ गई, ये तो रियल इस्टेट की चीज आ गई। यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स, आपके ट्रांजेक्शन जितने होते हैं उन सभी के बारे में आईटी एक्ट है। आ जाइए अगला प्रश्न। विच चैप्टर ऑफ द इंडियन एक्ट 2000 मैंडेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल। ये साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक ऐसी कमिटी बनाई जाती है, ठीक है, साइबर अटैक के मामलों को देखने के लिए, जो किसी और कोर्ट या कमेटी के ऑर्डर पर विचार विमर्श करती है, इसी को साइबर एपिलेट कहते हैं। मान लो किसी ने अपना फैसला सुना दिया, उस पर फिर से रिकंसिडरेशन के लिए एक कमिटी बनाई जाती है। वो किस एक्ट के किस चैप्टर में बोला गया, अब ये पढ़ाया। अच्छा, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपका चैप्टर 10 में इसकी बात की गई है, ठीक है, चैप्टर 10 में। कौन से गोला से सवाल है, और ये जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड है, उनके सिक्योर करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए इसमें बात की गई है चैप्टर 5 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और चैप्टर 9 में इसमें आपके जो भी गलती करते हैं उसकी पेनाल्टी की बात की गई है। पेनाल्टी मतलब सजा की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। जो भी आपके चीजें होंगी उसके पेनाल्टी की बात यहां पर की गई है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे चेक करता है ये सर्टिफाइड ऑथोरिटीज, मतलब जो भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहा है वो ऑथोरिटी सर्टिफाइड है या नहीं, उसको चेक करना। ये सब चीजें चैप्टर 7 में है आपके। चैप्टर 7 आईटी एक्ट का ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट, कोई भी सर्टिफिकेशन जो आपको दिया जाता, मानो लाइसेंस दिया गया, जिसके द्वारा दिया गया, तो क्या वो सर्टिफाइड संस्था है कि नहीं है, कोई कोर्स कराया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्या वो सर्टिफाइड है कि नहीं यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वो सब चेक करना आपके इसमें है। एक एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसे ही आपके पेनाल्टी, कोई आप ऐसा करते हो, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स की चोरी होती है, कोई फ्रॉड होता है, तो उसके लिए पेनाल्टीज, जो न्याय है, न्याय की बात इसमें की गई है। चलो अब आओ, हाँ, सभी लोग सेशन को शेयर करिए। ऑफेंस लाइक टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, हैकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम एंड पब्लिशिंग ए इंफॉर्मेशन विच इज ऑफेंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म आर डिफाइंड इन, किसमें डिफाइन किया गया है, आईटी एक्ट के चैप्टर 9 में, चैप्टर 3 में, चैप्टर 8 में, या चैप्टर 11 में। बहुत बढ़िया, चलिए, तेजस एकदम रटे हुए हैं। सबकी हालत खाएंगे। हाँ, चैप्टर 3 में नहीं, चैप्टर इसको 11 में डिफाइन किया गया है कि ऑप्शंस लाइक टेम्परिंग विद कंप्यूटर, मतलब कोई आपके सिस्टम को हैक करे, इसकी पेनाल्टी जो होगी है वो मैंने बताया किसमें डिफाइन किया गया है। वो जो पेनाल्टी की बात की गई है वो आपके 9 में डिफाइन किया गया है, कोई भी आप ऐसा कार्य करते हैं तो। लेकिन कोई आपके सिस्टम को हैक करता है, कोई आपके जरूरी डॉक्यूमेंट, नेसेसरी इंफॉर्मेशन को चुराता है, ये सब चीजें आपके चैप्टर 11 में दी गई है। और यहां पर चैप्टर 3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं उनके बारे में डील की गई है। जैसे आपका इसका निकला, क्या नाम है, यूपीपीआरपीबी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, कंपनियां देती है ना, तो उनके बैकग्राउंड को चेक करने की, कंपनी ठीक है कि नहीं है, ये करा ले जाएगी कि नहीं करा ले जाएगी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट से डील होता है इसमें, उसमें कोई फ्रॉड ना हो।
तो वो चीजें आपके इसमें होता है। ठीक, अब चलिए आपका यहीं पर रोक देते हैं, अभी आपके यूपी स्पेशल के क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी से बताइए। डैश इज द इलीगल रिप्रोडक्शन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए इसे क्या कहा जाएगा। देखो इलीगल रिप्रोडक्ट, आपका जो इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉफ्टवेयर का, उसको पायरेसी कहते हैं। तभी तो आप लोग पायरेटेड विंडो, पायरेटेड कोई सॉफ्टवेयर ये इस्तेमाल करते हैं, और पायरेटेड में पायरेसी करने के लिए क्रैकर भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्रैकर को ही ब्लैक हैट हैकर्स भी बोला जाता है, इसी को ब्लैक हैट हैकर्स भी बोला जाता है। बेसिकली ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स भी होते हैं, रेड हैट हैकर्स भी होते हैं, लेकिन बेसिकली दो पर बात करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पर। ब्लैक हैट हैकर जो होता है वो इलीगल काम करता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट के लिए काम, हैकिंग का काम करेगा, दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं वो बेसिकली आपके लीगल कार्य करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये एक ब्लू हैट हैकर्स भी होते हैं, वो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे कार्य करते हैं, तो कई सारे ऐसे होते हैं। तो यहां पायरेसी होगा, क्या होगा, पायरेसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इलीगल सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन करते हैं। अब यहां पर आ जाइए 18, अ वायरस कैन नॉट स्टील हार्ड डिस्क स्पेस, स्टील सीपीयू टाइम, लॉक की स्ट्रोक, इंक्रीज डिक्रीज द वर्ड लेंथ ऑफ सीपीयू। वायरस आपका कभी भी वर्ड सीपीयू की वर्ड लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा, बाकी सब पे इंफेक्ट डाल सकता है। वर्ड लेंथ मतलब एक वर्ड कितने बाइट का हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर के बिट पर। 64 बाइट का आपका प्रोसेसर है, 32 बिट का प्रोसेसर है, 64 बिट का है, उस पर डिपेंड करेगा, ना कि ये वायरस इसको इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, 19, विच टाइप ऑफ द वायरस अटैक exe फाइल एंड रिजल्टिंग इंफेक्टेड exe फाइल अटैक अदर exe फाइल एंड इंफेक्ट देम, इसको क्या बोला जाता है, पैरासाइटिक वायरस, वायरस बूट सेक्टर वायरस, स्टिल्थ वायरस, मेमोरी रेसिडेंट वायरस। मेमोरी रेसिडेंट वायरस वही जो मेमोरी में आपके छुप जाए, इसको मेमोरी में जो आपको रहता है, जो मेमोरी को अपना घर बना ले, मेमोरी को घर बना ले, सिंपल सी बात है, रेसिडेंट का मतलब हो गया। जो स्टेल्थ वायरस जो होता है, ये एंटीवायरस से पकड़ में नहीं आता है जल्दी, है ना, जल्दी आपके एंटीवायरस से पकड़ में नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये छुप जाता है, अपनी पहचान को अनहाइड कर लेता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। बूट सेक्टर के बारे में बता दिया। पैरासाइटिक वायरस जो होता है, इसे हम लोग फाइल वायरस भी बोलते हैं, ये फाइल वायरस भी होता है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल के थ्रू फैलता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में होता है, ये जो भी exe फाइल होगी उसी में आपकी होती है ये चीज। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर वायरस बट इज बेसिकली ए कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें से कौन सा वायरस नहीं है, लैंग्वेज है, तो वो पाइथन है। देखो इसका भी नाम, जैसे कोरोना वायरस होता है ना, वैसे इनके भी वायरस के नाम होते हैं। वायरस की क्लास करते करते माइंड में वायरस एंट्री ले लिया। अच्छा हाँ, ये आपका जो कोड रेड वायरस है, ये माइक्रोसॉफ्ट के एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर पर अटैक करता है। ठीक है, वेब सर्वर पर अटैक करेगा, सर्वर के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा है उनको इरेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब एक आता है कॉन्फिगर भी एक वायरस है, जैसे आपका कोरोना वोरोना नाम होता है वैसे ही है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को करता है, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनको इंपैक्ट करता है। किस पर करता है, जब आप कोई फाइल शेयर करते हो, चाहे कोई पेनड्राइव आप लगाते हो, पेनड्राइव के थ्रू ये क्या होता है, अटैक करता है। तो नेटवर्क पे बेसिकली अगर हम बात करें, शेयरिंग नेटवर्क पर हमला करता है। ठीक है,
अब सासर क्या होता है? हाँ, सासर जो होता है ये वायरस ये आपके हार्डवेयर को क्या करेगा, हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय करेगा, और साथ ही साथ एंड आपका जो रिबूट होता है, रिबूट रिबूट आपका कई बार होगा, इसका अगर इंपैक्ट हो गया तो आपका रिबूट कई बार होगा, कई हार्डवेयर में आपके प्रॉब्लम आ जाएगी, हार्ड डिस्क नहीं से सही से चलेगी, रैम सही से नहीं वर्क करेगा, ये सब चीजें होता है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ ये पाइथन आपका आंसर होगा। 20 प्रश्न आपके सही हुए, आप बताइए आज कितने सही किए। परीक्षा मंथन क्या करोगे इस टाइम लेकर, उसमें पूरा सिलेबस थोड़ी मिलेगा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना। जल्दी से बताइए, पूरा चलिए, जिनके पास इंग्लिश की एक 8000 की आती है उसे आप पढ़ लो, अच्छा है किताब वो, वाईटी की। इसका आंसर बताइए कि क्या सही जवाब होगा। हम लोग सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। एवीरा ये एंटीवायरस है, कैस्पर स्काई ये भी एंटीवायरस है, कैस्पर स्काई, मैकेफ्री भी आपका क्या है, एंटीवायरस है, फायरफॉक्स आपका क्या है, ब्राउजर है, तो ये एंटीवायरस नहीं होगा। ठीक है, फायरफॉक्स आपका क्या है, ब्राउजर है। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करिए जोरदार तरीके से, बहुत बढ़िया, फायरफॉक्स डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस कहां से आ जाएगा, फॉक्स प्रो है वो, आईबा वो फॉक्स प्रो होता है, फायरफॉक्स तो ब्राउजर है। अब आते हैं, इंडियन आईटी एक्ट वाज नोटिफाई इन द ईयर, जब कल हम आईटी एक्ट आपको पढ़ा रहे थे तो आईटी एक्ट किस समय आया था, तो वो 2000 में आया था, कब आया था, आईटी एक्ट 2000 में आया था, बहुत बढ़िया, सी आंसर इसका करेक्ट जवाब होगा। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जनरली फाउंड इन द हार्ड डिस्क रूट डायरेक्टरी बट इट कीप ऑन चेंजिंग लोकेशन, ट्रोजन, रिबूट, विना वे या ट्राइवियल 88D। जल्दी से बताइए इसमें क्या सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया तेजस, क्या इसका आंसर है, बी आंसर आ रहा है सभी का। चलिए, हाँ अब देखो ये बात है, ट्रोजन रिबूट जो है, जो ट्रोजन है ये आपका जैसे ही आपको इंफेक्ट करेगा आपके सिस्टम को, तो सिस्टम आपका क्या होगा, सिस्टम आपका बार 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 रिबूट होगा। ठीक है, बार बार रिबूट होगा। विना जो होते हैं वो फाइल की डायरेक्टरी जो होती है, फाइल के डायरेक्टरी को ये आपका क्या करता है, फाइल के डायरेक्टरी चाहे हार्ड डिस्क की जो रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, जो रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी को टारगेट करती है। एक इसी में क्लस्टर वायरस भी होता है, क्लस्टर, क्लस्टर जो होता है वो फाइल के डायरेक्टरी को हैंडल करता है, जैसे ये बोला फाउंड इन हार्ड डिस्क रूट डायरेक्टरी, ये हार्ड डिस्क के रूट डायरेक्टरी को करता है, थोड़ा सा है, हाँ, ये हार्ड डिस्क के रूट डायरेक्टरी को करता है, किसके, हार्ड डिस्क का, जो हार्ड डिस्क है हार्ड डिस्क के रूट डायरेक्टरी को ये टारगेट करता है, और ये आपके फाइल के डायरेक्टरी को टारगेट करता है जो क्लस्टर होता है। तो यहां पे आंसर विना होगा। और ट्राइवियल 88D क्या है, ये भी आपका हिंदी में 7-10 के क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये आपका ओवरराइटिंग सॉफ्ट वायरस है। ओवरराइटिंग वायरस का मतलब कि मान लो आपका जो डॉक्यूमेंट है कोई भी है, उस पर आपका ये जबरदस्ती कुछ भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के अंदर चेंज कर देगा, तो ये कंटेंट को ओवरराइटिंग, इसीलिए कंटेंट को चेंज करने वाला वायरस, कंटेंट को चेंज करने वाला वायरस ये होता है। तो यहां पर आंसर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस स्प्रेड वाया मेलिशियस ईमेल, ईमेल के थ्रू कौन सा आता है, ये ट्रोजन रिबूट के बारे में हमने बता दिया, ये आपका मेल के थ्रू नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा।
आंसर आएगा इसका, आरआईसी फोर्टनाइट, बिना आपको मैंने बताया कि रूट डायरेक्टरी में आता है, यह भी ईमेल के थ्रू आने वाला वायरस नहीं है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो जेएस फोर्टनाइट, ये जो होगा वो ईमेल के थ्रू, फोर्टनाइट जो है वो ईमेल के थ्रू आने वाला वायरस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे ईमेल के थ्रू किसी वेब पेज में ये रहेगा, आप उसे डाउनलोड कर देंगे तो आपका ईमेल के थ्रू आ जाएगा। तो सी आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। अब स्पाइडर के बारे में हमने बताया था, क्राउलिंग और स्पाइडर आपके तो इन द सर्च इंजन में ये काम आते हैं, कहां काम आते हैं, सर्च इंजन में वर्क करते हैं ये सर्च इंजन में। तो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग, स्पाइडर इज एन प्रोग्राम डेट कैटलॉग वेबसाइट है ना, सर्च इंजन, हैकर हु ब्रेक इनटू ए कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम, नहीं हैकर नहीं होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ व्यूइंग वेबसाइट, नहीं सर्च इंजन है, सर्च इंजन है क्या ये आपको बताओ, सर्च इंजन है क्या ये, नहीं स्पाइडर सर्च इंजन नहीं है, एक प्रोग्राम है जो, ए आंसर होगा, सर्च इंजन नहीं है भाई, बी आंसर क्यों दे रहे हो, सर्च इंजन में ये प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, ये स्पाइडर जो होता है क्राउलिंग, यहां बोला प्रोग्राम डेट कैटलॉग अ वेबसाइट, ये वेबसाइट का एक कैटलॉग बना लेता है कि वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं क्राउलिंग करके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ए आंसर इसका करेक्ट होगा, एक सर्च इंजन का एक प्रोग्राम है स्पाइडर जो उसकी वर्किंग में मदद करता है। विच वॉज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस, इसमें से पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, जल्दी से बताइए, हाँ। अब यहां क्रीपर का बात आ जाए तो क्रीपर को फर्स्ट 1971 कंप्यूटर वायरस बोला जाता है, वैसे इसको ये कब आया था 1971 में, ठीक है 1971 में आया था। अब यहां पर आपसे बूट सेक्टर वायरस की बात किया, ये आपका सेल्फ, ये कैसा होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता है, मतलब खुद ही अपना कॉपी बना लेगा और जब बन जाएंगे तो ये आपके सिस्टम को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक, ये सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। तो ये बूट सेक्टर में नहीं होते हैं, पेलोड जो होता है, एक पेलोड जो होता है ये वर्क होता है, ये वायरस नहीं होता है, पेलोड जनरली एक पार्ट होता है वायरस और मालवेयर का, जो ये प्रभाव छोड़ता है उसी को पेलोड कहते हैं, जो मैलिशियस एक्शन करता है ना, तो वो एक्शन है, वायरस का एक एक्शन है, ये एक्शन होता है। बॉम्ब, बॉम्ब क्या है, सर्टेन, आपको लॉजिक बॉम्ब बताया था, सर्टेन क्राइटेरिया मिलने पर, सर्टेन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फुलफिल होने पर, फुलफिल होने पर ट्रिगर हो जाएगा ये, मतलब तब ये अपना वर्क करेगा और आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाएगा। इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन बेसिस पर, और इसे जो लॉजिक बम होता है इसको जो भी आपका मेन हैकर होगा वो जानबूझकर इंटेंशनली आपके सिस्टम में डालने की कोशिश करता है, और उसके लिए पूरी क्राइटेरिया फिट कर देगा कि जब ऐसा आपका होगा इस समय पर आपका ये लॉजिक बम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये लॉजिक बम हो गया, ब्रेन जो है यही आपका क्या है, आपका बूट्स, बूट सेक्टर वायरस है जो आपके हार्ड डिस्क में, चाहे फ्लॉपी डिस्क के बूटिंग सेक्टर में ये जाके रहता है, तो इसका नाम ही, इसी को बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है, वो ब्रेन है। दिस वायरस यूजली रिसाइड्स इन द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, कम फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क, ट्रोजन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस, स्क्रिप्ट या लॉजिक बॉम्ब, जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए क्या सही आंसर होगा। हाँ, ट्रोजन हॉर्स, बहुत बढ़िया। यहां देखो, ट्रोजन हॉर्स आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस है जो कहीं ना कहीं
किसके थ्रू? नेटवर्किंग के थ्रू या शेयरिंग के समय आपके सिस्टम में आता है। ये फ्लॉपी डिस्क या ड्राइव्स कम फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क, बोला ना, दिस वायरस यूजुअली रिसाइड इन द फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क में होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में होता है, जो फ्लॉपी डिस्क से ही आता है किसी, तो वो बूट सेक्टर वायरस होगा। स्क्रिप्टिंग वायरस जो होते हैं वो जावा स्क्रिप्ट में लिखे गए होते हैं, और ये आपके वेब पेज, किसी वेब पेज से आपको या ईमेल के थ्रू आपको क्या होंगे, मिलते हैं। लॉजिक बम के बारे में मैंने बता ही दिया, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। इसका आंसर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वायरस डज नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ, इसमें से कौन सा अपनी कॉपी नहीं बनाता है। यहां बोला वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, बूट सेक्टर वायरसेस या मैक्रो वायरसेस, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, बूट सेक्टर वायरस या मैक्रो वायरस। जो मैक्रो वायरस होता है ये बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट को हानि पहुंचाता है। डॉक्यूमेंट जैसे वर्ड के डॉक्यूमेंट, एक्सेल के डॉक्यूमेंट, इनकी फॉर्मेटिंग में क्या करता है, फॉर्मेटिंग में चेंजेस कर देता है, फॉर्मेटिंग में चेंजेस कर देता है, ये होता है। बूट सेक्टर का आपको वर्क समझा दिया। ट्रोजन हॉर्स जो होता है ये वायरस कभी भी अपनी कॉपी नहीं करता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लो, आपको वायरस में पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहो, आपको ये करा दे रहा हूं, वायरस बाद में करा दूंगा, यहां कम से कम क्वेश्चन जान लो, इसीलिए तो मैं एक्सप्लेन करता। ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता है, रेप्लिकेटिंग नहीं होता मतलब ये खुद की कॉपी नहीं बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे जो वॉर्म्स होते हैं ये वॉर्म्स क्या करते हैं, यहां लिखा है नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ, तो नॉट रेप्लिकेट ट्रोजन हॉर्स होगा, ये अपना क्या करते हैं, रेप्लिकेट बनाते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं और सिस्टम में अलग जगह फैला देते हैं और काम करने के लिए लगा देते हैं, अब तबाही करो यहां पर। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये देखो ये क्या है, जैसे आपको किसी से बीमारी होती है तो कंप्यूटर में जिस वायरस से बीमारी हो रही है वो वायरस आपको जानना है बस। चलो कोई बात नहीं, यहां से पढ़ लो, जैसे ट्रोजन हॉर्स इज ए फॉर्म ऑफ वायरस अटैक, सर्विस अटैक, स्लैमर वॉर्म, मेलिसा वॉर्म, जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें। ट्रोजन हॉर्स इज अ फॉर्म ऑफ क्या है भाई, वायरस अटैक है, एक ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, वायरस अटैक है। और मेलिसा वॉर्म क्या होता है, ऐसे आपके जो वॉर्म जो ईमेल के थ्रू आते हैं, ईमेल के थ्रू, ये एक आपका मैक्रो वायरस होते हैं, मैक्रो वायरस आप इसको बोल सकते हो, मैक्रो वायरस की कैटेगरी में आते हैं, जो ईमेल अटैचमेंट में होते हैं और उसके बाद से आपके डॉक्यूमेंट, मैक्रो वायरस का कार्य क्या है, डॉक्यूमेंट को इन्फेक्ट करना, तो ये आपका कार्य करता है कौन सा, मेलिसा वायरस। और ये जो स्लेमर वॉर्म है, स्लेमर वॉर्म एसक्यूएल सर्वर को क्या करता है, एसक्यूएल सर्वर पर अटैक करता है, इसके लिए बनाया गया, इसको अटैक करने के लिए बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर वायरस डैमेज द फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट एंड डज नॉट अलाउ टू इट एडिट। अब देखो क्या बोला, फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ऐसा वायरस जो फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को क्या करे, चेंज कर दे, एंड डज नॉट अलाउ टू एडिट, और आपको एडिट करने का ऑप्शन ना दे, तो वो वायरस आपके मैक्रो वायरस होते हैं। जो फाइल वायरस होते हैं, .exe और .com वायरस, जो फाइल होगी,
इसकी जो फाइल होगी जब हम इसको रन करते हैं, जब इसको हम प्ले करेंगे .exe और .com फाइल को, तब हमारा फाइल वायरस एक्टिवेट होता है। यहां मैक्रो वायरस होगा। चलिए अब आते हैं यहां पर, विद रेफरेंस टू ए कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर टू बी हार्मलेस बट एक्चुअली प्रोड्यूस हार्मफुल रिजल्ट। जल्दी से बताओ तो, विद रेफरेंस टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के रेफरेंस में, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करिए। हाँ, यहां क्या बोला, कंप्यूटर के रेफरेंस में, हाँ ना, विद द रेफरेंस ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर टू द हार्मलेस बट एक्चुअली प्रोड्यूस हार्मफुल रिजल्ट, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, पैच या वायरस हॉक्स, क्या इसका आंसर होगा? हाँ, तो वो आपका क्या होता है, वो ट्रोजन हॉर्स होता, ट्रोजन हॉर्स ही ऐसा होगा। वॉर्म में तो कई सारे वॉर्म होते हैं, ट्रोजन हॉर्स एक आपका ऐसा जो पर्टिकुलर अपने आप का रेप्लिकेट तो नहीं करता है, लेकिन जिस भी जहां पर चला गया उसकी तबाही कर देगा, किसी फाइल सिस्टम में पहुंच गया, किसी हार्डवेयर में पहुंच गया, तो ये आपका हाँ सुपरउत्तम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर इज यूज बाई अटैकर टू गेट अनऑथराइज रिमोट एसेस टू ए पीसी बाई एक्सप्लोटिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। ये बोला है ऐसा आपका ये अटैकर होता है जो अनऑथराइज रिमोट एसेस हो जा ले लेता है आपके पीसी का, मतलब बाईपास किसी और तरीके से आपके कंप्यूटर का एसेस हासिल कर लेगा। ठीक है, अब बताओ कौन सा होगा। लॉजिक बम एसेस हासिल नहीं करता है। यहां पर सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो एक फीचर होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक फीचर होता है वायरस के अपने आप को बढ़ाने के लिए। जैसे कोरोना वायरस क्या होता था, मल्टीपल्स होता था ना, ऐसे यहां पर भी है। तो बैकडोर लिखा है, ये बैकडोर क्या करता है, बाईपास, आपके सिस्टम को बाईपास कर देता है। जैसे कभी कभी आप लोग इलेक्ट्रिक जो घर में कनेक्शन होता है, कहते हो हम बाईपास से कनेक्शन खींचे, मतलब दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है और आपके सिस्टम को अपने अंदर रिमोटली कंट्रोल करता है, तो वो बैकडोर वायरस कहलाते हैं। वो कौन से होते हैं, बैकडोर वायरस कहलाते हैं, जो रिमोटली आपके सिस्टम को एक्सेस कर ले। बेसिकली ये कार्य हैकर इस्तेमाल करते हैं आपके डेटा को चुराने के लिए, आपके सिस्टम के जो भी इंफॉर्मेशन उसको चुराने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोग्राम कैन गेट रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ऑन योर कंप्यूटर डिजाइन बाई अटैकर टू डू एंटीवेयर, रूट किट्स, बैकडोर या मालवेयर। अब यहां बात की गई है थोड़ा सा कि एक प्रोग्राम जो आपको गेट ए रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एसेस, जो आपके जो मेन प्रशासनिक चीज है उस पर आपका धावा बोल दे, उस प्रकार के वायरस या अटैकर को क्या कहा जाएगा, डिजाइन बाय अटैकर, उसको कहा जाता है रूट किट्स। उसे क्या कहा जाता है, रूट किट्स कहा जाता है। नाम से ही आप बता सकते हो कि जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई हमला करता है तो उस चीज को, उस वायरस को रूट किट कहा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्रिएट ए न्यू प्रोसेस इन एन इनफाइनाइट लूप। ये क्या करता है, जहां आपके सिस्टम के अंदर कई सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, जब आप लोग टास्क बार टास्क व्यू देखोगे, मैनेज टास्क मैनेजर, तो वहां आपके जो कई सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, उस प्रोसेस में जाता है और ये प्रोसेस टेबल के अंदर कई सारे नए प्रोसेस को क्रिएट करके वो सिस्टम को बिजी रखने के लिए आपका लगातार एक ऐसे प्रोसेस क्रिएट करेगा जो हमेशा सीपीयू को बिजी रखेगा, जो हमेशा इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा। तो वो जो वायरस होता है उसको कहा जाता है फोर्थ बम। क्या कहा जाता है, फोर्थ बम बोला जाता है इसको। फोर्थ बम ऐसा वायरस जो आपके किसी प्रोसेस को हमेशा के लिए चलाता रहेगा,
और सीपीयू उसको बेचारा लेके ढोता रहेगा। तो जब नंबर ऑफ वायरस ऐसे प्रोसेस को जो बढ़ाने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो आपके सीपीयू का लोड बढ़ता रहेगा, तो आपके सीपीयू स्लो होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। चलो अब आगे बातते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म यूज टू फाइंड ईमेल एड्रेस ऑफ ए यूजर, ऐसा टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल हम यूजर के ईमेल एड्रेस को पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है फिंगर, इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है फिंगर। फिंगर एक टाइप का प्रोटोकॉल जो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, बेसिकली सर्वर से आपके ईमेल आईडीज को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके स्पैम भेजने वाले लोग होते हैं वो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको क्या भेजते हैं? स्पैम मेल भेजते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अटैक अलाउ अटैकर टू इंजेक्ट ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इनटू अ वेब पेज। यहां बोला है किस प्रकार का अटैक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अटैक अलाउ अटैकर, जो अटैकर को अलाउ करता है कि वो क्लाइंट साइड पर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्या कर दे, कोई अटैक वहां पर डाल दे वेब पेज में, उसे क्या कहा जाएगा? क्रॉस क्लाइंट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस सर्वर स्क्रिप्टिंग या क्रॉस सॉर्ट स्क्रिप्टिंग, तो उसे कहा जाता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। चलो इसे याद कर लेना। इसे क्या कहा जाता है? जब भी क्लाइंट साइड पर किसी वेब पेज में कोई भी जो है अटैकर उसके वेब पेज में कोई हमला करता है, कोई वायरस डालता है चाहे कुछ भी डालता है उस क्लाइंट पर, ना कि सर्वर पे, क्लाइंट के वेब पेज पर डालता है उसी समय, तो उसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। और वो जो वायरस होगा वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज में होगा, मतलब कोई लैंग्वेज में लिखा, क्योंकि ये सभी वायरस जो होते हैं वो प्रोग्राम होते हैं और प्रोग्राम भी किसी ना किसी हाई लेयर लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। द टर्म विच इज यूज टू डिस्क्राइब लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट, वो टर्म क्या कहा जाएगा जिसमें हम लीगल और रेगुलेटरी एस्पेक्ट की बात करते हैं इंटरनेट में, इंटरनेट की कानूनी और नियामक पहलू का वर्णन करने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वो क्या है? साइबर कानून, साइबर स्पेस या साइट्रस लॉ या कंप्यूटर लॉ, क्या कहेगा इसको? तो आप सभी को याद होना चाहिए भाई, साइबर लॉ कहा जाता है। जो आपके इंटरनेट से संबंधित धांधली हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, इनमें जो कानून है वो जो बनाया गया उसको साइबर लॉ कहा जाता है। साइबर स्पेस एक वर्चुअल स्पेस होता है, एक वर्चुअल स्पेस जहां पे आपके दुनिया भर के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हों, रियल नहीं है ये स्पेस, वर्चुअल स्पेस है। कैसा स्पेस? वर्चुअल स्पेस होता है। 18 अ मालवेयर दैट सेक्रेटली कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर विदाउट देयर कंसेंट इज कॉल्ड, ये तो बताया ही था, बिना आपके जानकारी के आपके इंफॉर्मेशन निकालने वाला जासूस होता है, क्या होता है? स्पाई। तो स्पाई वेयर हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? स्पाई वेयर हो जाएगा। अननोन ईमेल अटैचमेंट आर रिमूव बिकॉज, जो अननोन ईमेल या अनवांटेड ईमेल होते हैं उसको स्पैम कहा जाता है। यू कैन गो टू द जेल बाई दिस, दैट अ पर्सन कैन आइडेंटिफाई यू एंड इंजोर यू, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, इट मे कंटेन ए वायरस विच डैमेज द कंप्यूटर कैन डू, जाहिर सी बात है यही होगा, उसको रिमूव कर दो क्योंकि उसमें क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है। जो अनवांटेड स्पैम आपको भेजे जाते हैं उसमें आपके वायरस होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट प्रश्न आपका, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वी कैटेगराइज ए साइबर क्राइम
इन टू वे, दैट इज साइबर कमिटी द रियल वर्ल्ड, सेकेंड द कंप्यूटर वर्ल्ड. क्राइम कमिटेड थ्रू फर्स्ट द WWW, सेकेंड द इंटरनेट. क्राइम कमिटेड इन साइबर स्पेस एंड द रियल वर्ल्ड. क्राइम कमिटेड वेयर पहला कंप्यूटर इज ए टारगेट एंड सेकेंड वेयर ए कंप्यूटर इज ए वेपन. बताइए यहां पर साइबर क्राइम को कैटेगराइज किया गया है दो तरीके से, वो क्या है? एक ये जहां पे कंप्यूटर टारगेट बनता है और वो जहां से एक कंप्यूटर वीपन है, क्योंकि कोई कार्य दो ही तरीके से होते हैं. यहां पर हथियार भी कंप्यूटर है और जिस पर हमला हो रहा है वो भी कंप्यूटर है. यही साइबर आपका क्या है, क्राइम्स को दो कैटेगराइज किया गया है. यहां पर डी आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा. आओ 21 नंबर प्रश्न आज खत्म हो जाएगा. विच मैकेनिज्म इज यूज बाय द कंप्यूटर वायरस ऑन टू डुप्लीकेट इटसेल्फ. ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा वर्म जो होता है अपने आप को डुप्लीकेशन करता है, उस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? उस मैकेनिज्म को स्पॉन कहा जाता है, स्पॉन कहा जाता है. रेप्लिकेशन के प्रोसेस को, कॉपी के प्रोसेस को स्पॉन कहा जाता है. इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ना, स्वेप मतलब होता है इंटरचेंज होता है इसका मतलब, और इसका मतलब होता है कॉपी, है ना, रेप्लिकेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, इसमें से कौन सा एंटीवायरस है? कोड रेड कल पढ़ाया था, मेलिसा अभी पढ़ाया है, मेल से जो आपको आता है, क्रिप्टो लॉकर जो पढ़ाया है, डॉक्टर वेव क्या है, डॉक्टर वेव आपका क्या है, एंटीवायरस है. आपको रैंसम वेयर जानते हो, रैंसम वेयर भी एक वायरस है, एक आपका मालवेयर है, एक आप क्या कहोगे इसको, एक मालवेयर है. ये मालवेयर ऐसा है कि आपके सिस्टम में चला जाता है और ये किसको अटैक करता है, ये आपके फाइल को अटैक करता है, इसके बारे में भी बता दें. और फाइल को ये क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है. इनक्रिप्ट करने के बाद आपसे क्या मांगता है, पैसा मांगता है कि पैसा दो तो हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे, तभी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, नहीं तो वो इनक्रिप्टेड रहेगी, लॉक रहेगी एक तरह से. तो वो रैंसम वेयर का कार्य होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस, एड्स, अनाकोर्निकोवा, ब्रेन डॉन. ब्रेन होता है, एड्स भी आपका क्या है, वायरस है. एड्स को यह मत समझना कि वायरस नहीं है. ये क्या है, एड्स आपका रैंसम वेयर है. ये आपका रैंसम वेयर है जो आपके डिस्क पर अटैक करता है और डिस्क को इंक्रिप्ट कर देता है, डिस्क पर अटैक करता है, ये ध्यान रखिएगा. बाकी ये सभी वायरस है, डॉन आपका कोई भी वायरस नहीं है. और 24 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रैकर, द मैलिशियस हैकर हु आर इनफिल्ट्रेट सिक्योर सिस्टम इन ऑर्डर टू स्टील इंफॉर्मेशन और कॉज अ डैमेज, इसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रैकर, क्रैकर का दूसरा नाम क्या है? क्रैकर का दूसरा नाम मैंने बताया था ब्लैक हैट्स हैकर कहा जाता है इसको. क्या कहा जाता है? ब्लैक हैट्स हैकर कहा जाता है. अ पर्सन हु यूजेस हिज हर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अनदर पर्सन कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली टू डू डैमेज इज ए स्पैमर, हैकर, प्रोग्रामर, एनालिस्ट. तो ये हैकर होता है, इलीगली कर रहा है तो हैकर ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. एनालिस्ट तो वो होता है जो डेटा को एनालिस करता है. एकदम स्टॉप हो गया है. तो वायरस से रिलेटेड जितने एमसीक्यू थे जो विभिन्न एग्जामों में आए थे मैंने दो सेशन में आपको करा दिया. तो वायरस का पोर्शन आपका एमसीक्यू में खत्म हो गया, बाकी पेड क्लास में आपको पढ़ा देंगे. चलिए बहुत बढ़िया,